किताबें झांकती हैं बंद अलमारी के शीशु से, बड़ी हसरत से तकती हैं। महीनों अब मुलाकातें नहीं, जो शामें उनकी सोबत में कटा करती थी अब गुजर जाती हैं कंप्यूटर के पर्दों में, मोबाइल के पर्दों में। बड़ी हसरत से तकती हैं, बड़ी बेचैन रहती हैं किताबें। इन्हें अब नींद में चलने की आदत हो गई, कोई सफा पलटता हूं तो एक सिसकी निकलती, कई लफ्जों के मानी गिर पड़े, बिना पत्तों के सूखे टुंड लगते हैं सभी अल्फाज जिन पर अब कोई मानी नहीं। बहुत कुछ तहबदह खुलता चला जाता है कंप्यूटर के पर्दों पर, किताबों से जो जाती रहता था कट गया। कभी सीने पे रख कर लेट जाते थे, कभी गोदी में लेते थे, कभी घुटनों को अपनी रहल की सूरत बनाकर नीम सजदे में पड़ा करते थे, छूते थे जमीन से। वो सारा इल्म तो मिलता रहेगा आइंदा भी, मगर वो जो किताबों में मिला करते थे सूखे फूल और महके हुए रुके, उनका अब क्या होगा, वो शायद अब नहीं होंगी। किताबें झांकती हैं बंद अलमारी के शीशों से, बड़ी हसरत से तकती हैं, महीनों अब मुलाकातें नहीं। जनाबे वाला, हम आज सिलसिले पठन 13 का बकायदा आगाज करते हैं। मैं हूँ खास बारसी, आज मैं इस इवेंट को होस्ट कर रहा हूँ। जो नज्म मैंने पढ़ी ये गुलजार, हिंदुस्तान की एक मशहूर शायर, लिरिसिस्ट और इवन के फिल्म प्रोड्यूसर भी हैं, उन्होंने लिखी है, लेकिन मैं इसको हमेशा कुछ जान लो की तारुफी नज़म के तौर पर पढ़ता हूँ, क्योंकि इन झांकती किताबों की तरफ देखकर जो शिकायती अंदाज में हमारी तरफ देख रही थी, करीबन 10 बरस होने को हैं, कुछ नौजवानों ने एक तहरीक शुरू की कि इन किताबों से कुछ जान लिया जाए और इनकी इस बरहमी को दूर किया जाएगा, इनकी इस शिकायत को दूर किया जाए। और हमारी एक उस्ताद जनाब डॉक्टर आरफा सईदा ज़हरा साहिबा ने इस तहरीक को नाम दिया कि कुछ जान। और जब हमने किताबों को जानने की कोशिश की तो हमें मालूम हुआ कि कुछ किताबें बाकी किताबों की नस्बत बहुत ज़्यादा उदास हैं और बहुत ज़्यादा बरहमी, और वो किताबें वो हैं जो अपनी, जो अपनों की, उनके साथ हमने परायों से भी ज्यादा बुरा सलूक किया। हमारे बड़े बड़े नाम, वो नाम जिन्होंने हमारी तहजीबी शनाख्त को तश्कील दिया, हम चाहते ना चाहते हुए या जानते ना जानते हुए कहीं ना कहीं उनसे मुंसलिक हैं। हमारी तहजीब की, हमारी शख्सियत की, हमारी हर किस्म की इज्तमाई शनाख्त का वो हिस्सा है, चाहे वो मीर हो, चाहे गालिब हों या इकबाल हों, फैज हों, जोश हों, अबुल कलाम हों, इवन के यूसुफी हों, ये कहीं ना कहीं वो तरह की, वो लहजे, वो जबान का उतार चढ़ाव, वो इस मुआशरे का एक हिस्सा है। हमने ये महसूस किया कि हम अपनी सकाफत से बहुत दूर होते चले गए। तो कुछ जान लो का आगाज हमने, आप में से बहुत से लोग जो आज पहली दफा आए हैं, हमने कुछ जान लो का आगाज इसी नीयत से किया कि हम अपने सकाफती विरसे को किसी न किसी तरह अपनी नौजवान नस्ल तक पहुंचाएंगे। उसके लिए हमने सिलसिले पठन का आगाज किया, जिसमें हम कोशिश करते हैं कि ड्रामाई अंदाज में नसर को, शायरी को हम पढ़ें, ताकि उसमें तासुर भी ज़्यादा हो और वो सुनने वाले आम जुबान में बोर भी ना हो और वो उससे महसूस भी हो सकें। और हमारा जो बुनियादी मकसद है कि किताब का और लिखारी का, मुसन्निफ़ का तारुफ वो किसी तरह आवाम तक पहुंच जाए। और घर जाकर आपको आज मुख्तलिफ लोग, कोई शायरी पढ़ेगा, कोई नसर पढ़ेगा, कहीं अहमद फराज का जिक्र होगा, कहीं कृष्ण चंद्र का जिक्र होगा, कहीं अहमद दीन कासमी का जिक्र होगा। हो सकता है कि कोई किसी शख्स से आप इतना रिलेट करें कि आप कल परसों नहीं तो 4 दिन 5 दिन बाद एक बुक स्टोर में जाएँ और उनकी किताब तलब करें, तो हमारा मकसद पूरा होगा।